रायपुर का मौसम में बड़ा बेईमान हुआ बैठा है, अपने बॉडी को थोड़ा वार्म अप नहीं किया तो फिर क्या फायदा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज है यार संडे, तो संडे को मैं आया हूँ आज छत में, क्योंकि छत का मौसम मतलब जो रायपुर का मौसम है बड़ा बेईमान हुआ बैठा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह यहाँ से निकल के मैं आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ कि मौसम कैसे आज तगड़ा किया हुआ है, पूरा बादल छाया हुआ है भाई रायपुर में। तो गाइस देख सकते हो रायपुर का मौसम, उधर पूरा फॉग ही फॉग नज़र आ रहा है थोड़े दूर में देखेंगे तो, और यहाँ पे पूरा बादल घेरा हुआ है सब तरफ, बहुत अच्छा एकदम ठंडा वाला मौसम छाया हुआ है। गर्मी के दिनों में, गर्मी का जो स्टार्टिंग दिन होता है, थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो ही रहा था कि अभी ये मौसम किया हुआ है दो तीन दिनों से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कल बहुत बारिश भी हुआ है, यहाँ देख सकते हैं मौसम कितना तगड़ा लग रहा है। तो छत में निकला हूँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। ठंडी के मौसम में आप देख सकते हैं मुंडी अभी उठ के यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं छत पे आके, ठंडा ठंडा मौसम में अपना ये भी मज़े ले रहे हैं पूरी तरीके से। इतना अच्छा मौसम है, ठंडी है, ऊपर से छत में हूँ और संडे का दिन है, तो मैं अब अपने बॉडी को थोड़ा वार्म अप नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे मौसम का। यार ऐसे मौसम में तो एक्सरसाइज करने का मज़ा ही कुछ अलग आता है, तो मैं आया हूँ आज छत में और छत में पूरा वर्कआउट करूँगा आज मैं पूरा, बहुत मज़ा आने वाला है भाई, तो बने रहिए वीडियो पे। गाइस मेरा आज का वर्कआउट का सेशन जो है ख़त्म हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे शरीर पे, बॉडी पे जो है काफ़ी सारा पसीना निकल भी रहा, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। और यार वर्कआउट तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग करें, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जितना आप लोग से हो सके उतना करें, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी बीमारियाँ, हेल्थ इश्यू, बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं, तो उसके लिए कम से कम आप 15 से 20 मिनट आप रोज़ ज़रूर निकाल सकते हैं इसके लिए, तो आप रोज़ वर्कआउट करें। मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाह रहा था आज की वीडियो में दिखा करके। गाइस देखते हैं आज का जो संडे है मेरा वो कैसे गुजरने वाला है, तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा मेरे लाइफ में, अगर मेरे दिन का आज कुछ अच्छा कुछ होगा तो उसको आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तो हे गाइस, संडे के दिन हम लोग बाकी कुछ काम करें या ना करें, कपड़े धोने का काम तो ज़रूर होता ही है। तो मैंने मेरे ढेर सारे कपड़े, हफ्ते भर के कपड़े जो है सारे धो लिए हैं, हमने खाना वाना बना के खा भी लिया है, पूरा सब चीज़ कम्प्लीट हो गया है, झाड़ू पोछा जो भी करना था वो सब कर लिए। अभी बस काम बचा है, तो पढ़ाई लिखाई का काम बचा है, तो अभी थोड़ा वही करने जा रहा हूँ मैं, काफ़ी कुछ पढ़ना लिखना है अभी फ़िलहाल। तो चलिए ठीक है, पढ़ाई लिखाई किया जाए थोड़ी देर, उसके बाद मिलते हैं हम लोग।